हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र शाक्य। जैसे कि आपने मेरे कुछ वीडियोस इसके पहले मैंने जो पोस्ट किए हैं वो शायद आपने देखे होंगे। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग मेडिटेशन में रुचि रखते हैं लेकिन थोड़ा सा डर है कि कैसे मेडिटेशन के साथ में हमने आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा संभ्रमित है, स्पिरिचुअल टीचर या स्पिरिचुअलिटी में जाने से डरते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। मैं उम्र की 8 साल से मेडिटेशन में रुचि रखते आया हूँ और थोड़ा थोड़ा समय जैसा मिलता है वैसे सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कोई मेडिटेशन टीचर नहीं हूँ, मैं आप जैसा ही एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ जो है, मेरा जीवन जो है वो संतुलित रहे, वो पीसफुल रहे, वो हैप्पी रहे। और मैंने ये देखा है कि जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं या ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं या फिर जस्ट सेटिंग करते हैं या योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे अलग तरीके का माइंडसेट रख करके उनके जीवन की ओर देखते हैं। उनका नज़रिया हर सिचुएशन में देखने का पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। योगा प्राणायाम ये अलग चीज़ है जिनके अलग बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, लेकिन ध्यान, ये केवल और ध्यान ये अलग बात है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कृपया गौर कीजिएगा। पहली बात तो यह है कि ध्यान को समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बूढ़ा होने के बाद में हमने करनी चाहिए या फिर हमने उन लोगों ने करनी चाहिए कि जो डिस्टर्ब है, उन लोगों के लिए ध्यान है, ये दिमाग में से निकाल दीजिए। ध्यान उन सभी लोगों के लिए है जो इंसान है, जिनको मन है, जिनको सांस है, वो हर इंसान ध्यान कर सकता है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम जो दिन भर से लेकर रात तक करते हैं उन चीज़ों में हम उलझे हुए रहते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे इमोशंस पे हमारा काबू नहीं रहता। हमारे इमोशंस जो है, सुख है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, हम मज़ा करते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग तरीके का रहता है, और दुख है तो उस समय में हमारा स्टेट ऑफ माइंड अलग तरीके का रहता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ये दोनों भी स्टेट ऑफ माइंड डेंजरस है, गौर कीजिएगा। ये दोनों भी स्टेट ऑफ माइंड डेंजरस है, क्योंकि हैप्पीनेस में हम हैप्पी होते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि ऐसी ही सिचुएशन मेरे ज़िंदगी में बार बार रहे। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही सिचुएशन हमारे साथ में बार बार कंटिन्यूसली रहे, है ना? ऐसा कभी नहीं होता है। या फिर दुख की या फिर पीड़ा की अगर हमारे साथ में कोई घटना होती है, उस घटना में हम कंटिन्यूसली उसी घटना में हम रहते नहीं हैं, है ना? तो सुख के बाद में दुख भी आता है, दुख के बाद में सुख भी आता है। दीज आर इमोशंस, इनको हैंडल करना आना चाहिए, और इनको हैंडल करने के अलग अलग टेक्निक्स बताए गए। उसमें से एक टेक्निक है जो इन इमोशंस को ही नहीं, आपके जीवन को बदल दे सकता है, इट इज़ कॉल्ड, उसे ध्यान कहा गया है। और ध्यान में आसान लफ्ज़ों में अगर आपसे कहूँ कि अपने आप को ध्यान पर रखने के लिए हमने ध्यान करना ज़रूरी है, इससे डरना नहीं है, करना ज़रूरी है। कैसे करें? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो ये क्यों करें, ये अगर आपको क्लियर हो जाए तो कैसे करें ये आगे की स्टेप होती है। तो हमारे मन को स्थिर करना है, शांत करना है, पीसफुल करना है, डर से, भय से हमें मुक्त होना है, आज़ाद होना है, तो हमें हमारे मन को जानना ज़रूरी है। जिसने अपने मन पे विजय पा ली वो सारी समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढ लेता है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो किसी और से सोल्यूशन मांगने का प्रयास नहीं करेगा, वो खुद डिसाइड करेगा, यस मुझे पता है इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। और ये अगर आप चाहते हो कि मुझे अपने सोल्यूशन खुद ढूंढने हैं, तो मेरे अनुभव से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानना ज़रूरी है और प्रयास करना ज़रूरी है। एक सही टीचर के साथ में बैठ करके ध्यान को सीखे और प्रैक्टिस करें। मराठी में एक कहावत है, तूप खल्ल की लगे स्वरूप इतने, ऐसा ही है। आप अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस आज से शुरू करो तो इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट टेक्स सम टाइम, मिनिमम 30 डेज़ की प्रैक्टिस हमने करनी चाहिए। 30 डेज़ जैसा कहा जाए
उसी तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं एक अच्छे मेडिटेशन टीचर के साथ में, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये किसी पब्लिसिटी या फिर इसके लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरा पर्पज़ ये है कि जो चीज़ें मेरे साथ में मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ, दैट्स इट। दूसरा कोई मोटिव मेरा इसके साथ में नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हो कि मेरे अक्सर मैक्सिमम वीडियोस ये नेचर के साथ में कनेक्टेड है। पंछियों की आवाज़ें आती है, हवा चलती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, अभी अजान चल रही है ना, वो भी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सृष्टि के साथ में हम कनेक्ट रहे, नेचर के साथ में हम कनेक्ट रहे, यही तो ध्यान है। ध्यान हमें वही सिखाता है कि जो आपके आजू बाजू में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे सही तरीके से देखना है। जैसे हम उसे सही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, हमारा डर खत्म हो जाता है, हमारे भीतर की शांति का अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान के विषय को सही तरीके से समझ करके, ज़्यादा चिंतन या ज़्यादा पढ़ाई, ध्यान के ज़्यादा डीप में जा कर के नॉलेज लेने के बाद में ध्यान शुरू करें, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा ये मानना है जो चीज़ आपको लगती है शुरुआत करनी लगती है, वो चीज़ को आज और अभी आपने शुरू कर देना चाहिए, तो ही उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपके जैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान करने के लिए उत्सुक है, उन तक ये पहुँचाइए, उनको भी उनका इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में जानकारी मिलेगी और वे भी लाभान्वित होंगे। अगले वीडियो में मैं ये बताने जाऊँगा कि ध्यान की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से इसे किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।